सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार छोटी बड़ी पल-पल की जानकारी के साथ बने रहिए और देखते रहिए रेवसा सीतापुर प्रेम बातचीत की रिपोर्ट। आपको बता दें कि आज स्थानीय कस्बा रेवसा के व्यापारियों का एक विशाल काय जत्था शेवता के विधायक जननायक लोकप्रिय ज्ञान तिवारी के आवास पर गया और वहाँ पर इस दुकानों की जो समय सीमा खुलने की थी उससे परेशान होकर के काफ़ी व्यापारी परेशान थे और उसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की। वहीं पर ससम्मान व्यापारियों का सम्मान किया श्रोता विधायक ने और कंधे से कंधा दुख और सुख में साथ देने वाले और वहीं पर 9 से 6 बजे तक दुकानें खुलने की संतुष्टि दे दी गई है। जैसा कि यहां व्यापारियों के द्वारा बारी बारी से अलग अलग बताया गया है और वहीं पर काफ़ी लोग सराहना की, घुर घुर प्रशंसा की श्रोता विधायक की और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के कस्बा के व्यापारी। कहाँ गए रहो आप लोग? विधायक जी के वहाँ डीएम साहब से पहले बात हुई है। डीएम साहब से किसने बात किया? विधायक जी ने। अच्छा ठीक। डीएम से कहाँ से ये सोचे कहाँ गए? विधायक जी ने मतलब कितने लोग गए थे आवास पर? 20-25 लोग थे। काहे के लिए गए थे? काहे के लिए गए थे? समय बढ़ाने के लिए। पहले समय क्या था? पहले समय रहा है 7 से 12 तक। अच्छा फिर उसके बाद आप कितनी मांग की है? कै बजे से कै बजे तक भवा समय? अब समय हो गया है 9 से 6। शाम 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से। तो फिर मतलब जो है विधायक ने आप लोगों की मांग मान ली, तो अब सारी दुकानें खुलेंगी केवल पान या छोटी बड़ी सब? सारी दुकानें। अच्छा आपका नाम क्या है? प्रमोद पांडे। आप विधायक के आवास पे गए हुए थे, आप लोगों ने मांग की है दुकान का समय बढ़ाने के लिए, जो पहले समय था उससे आप लोग संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि आप लोगों ने बयान सुना, ये प्रमोद पांडे हैं और आज श्योता विधायक से व्यापारियों का जत्था अपनी कस्बा उनसे मिला और अपनी दुकानें खुलने के बारे में अवधि बढ़ाने की बात की। ये नीरज यज्ञ सैनी है पुत्र चेलाराम के, क्योंकि आज आपकी अगुवाई में यहाँ पर स्थानीय कस्बा के रेवसा व्यापारियों ने एक श्योता विधायक के आवास पर गए हुए थे। क्या कारण था, कितने लोग थे व्यापारी और क्या समस्या थी, क्या वहाँ पे मिला? समस्या ये थी कि हमारे यहाँ 12 बजे बंद हो जाता था। बहुत से दुकानदारों का दुकान धोनी तक नहीं हो पाती थी, लेकिन इनकी दुकानें बंद हो जाती थी 12 बजे तक। कैसे वो कमाते कैसे खाते? कम से कम 150 आदमी जो है, बहुत से लोग हैं, खाने पीने वाला सामान है, बताता है, बर्गर वाले हैं, डोसा वाले हैं, इन लोगों का व्यापार बिल्कुल ठप था। ये लोग भुखमरी के कागार पर थे, जो लोगों ने किराए पर रह रहे थे, कहीं से प्लाट ले लिया था, वो बेचने के कागार पर खड़े हुए थे। इसलिए हमने मेहनत की और लोगों को बताया, जागरूक किया लोगों को, कम से कम 150 लोगों के दस्तक करा के हमने SDO को ज्ञापन भी दिया था। अच्छा इसके पहले? हाँ। और इसके बाद जो है हम विधायक जी के यहाँ सब लोग गए हैं, उनसे कहा, बताया सब समस्याएं बताई अपनी, विधायक जी ने सुना और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आज से जो है आप लोग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलिएगा दुकान। इस बाबत का रोजगार चल रहा है। इस बाबत में किसी अधिकारी से भी बात की? विधायक जी ने कहा था, बताया था कि हमने जो है SO देवसा से भी बात की है और SDM से भी बात की है और DM साहब से भी रिक्वेस्ट की करेंगे। अच्छा। और यहाँ के लोगों के साथ हम खड़े हैं उनके दुख दर्द में। विधायक जी ने बताया कि आप सब लोगों के साथ में हम हैं और आप लोग दुकानें खोलिएगा। और अच्छा अच्छा श्योता के विधायक अभी तक बहुत काफ़ी लोग विधायक रहे, लेकिन व्यवहार कुशलता इनकी और पहले में क्या अंतर रहा? बढ़िया कार्यशैली, बढ़िया विधायक जी की। सरकार अपने लोगों के लिए आगे आते हैं और लोगों की सुनते भी हैं। और देखिएगा हमारे बाढ़ धाम में जितना राशन इस वक्त बढ़ रहा है, हमारी जानकारी में अभी तक हमें नहीं बता कभी। अच्छा जब वहाँ पर गए तो इनकी व्यवहार कुशलता और वहाँ आवाज़ पे क्या लगा आपको? बढ़िया लगा। उन्होंने उनसे हाल चाल पूछा हमारा और लोगों का भी पूछा, व्यापारियों का भी पूछा, सभी लोगों से पूछा, आश्वासन भी दिया कि जो है जैसा खुलेगा बराबर खुलेगा। अच्छा। आप लोग खुलिएगा दुकान, मतलब सुबह 9 से 6 बजे तक खुलने की संस्तुति दे दी गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये नीरज एक सैनी है और रेवसा कस्बा के काफ़ी प्रमुख और जागरूक व्यापारी हैं और लोगों की हमदर्दी दिखाते हुए एक अपने काफ़ी जत्थे के साथ विधायक के आवास पर पहुंचे और वहीं पर अपनी मांग को रखा। इसके पहले तत्काल में जो है इन्होंने ज्ञापन भी SDM और विधायक श्योता को चौराहे पर दिया था।
बारह बंदी होती है, लोगों को दुकानदारों को तकलीफ होती है, इसलिए गए थे कि इसका टाइम जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है तो उस हिसाब से यहाँ बंदी हो। लगभग कितने व्यापारी गए थे वहाँ पे आवास पे? आवास पे व्यापारी 25 से 30 पहले गए थे और जब वापस आ रहे थे इसके बाद सारे व्यापारी धीरे धीरे जा रहे थे। लगभग 20-25 का जत्था व्यापारियों का वहाँ आवास पे गया, साथ गया था। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या मांग की आप लोगों ने? वहाँ मांग यही हुई थी जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसी समय से यहाँ दुकानें खुलाई हो, बंद दुकानें खोली और बंद की जाए। अच्छा, फिर वहाँ मांग मानी गई आप लोगों को? हाँ, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की दुकानें सुबह 6 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी। 9 बजे से कि 6 बजे तक कि 6 से 6 बजे तक? नहीं, 7 से 6 बजे तक, 7 से 12 था तो 7 से 6 कराया गया। अच्छा अच्छा, कोई बता रहा 9 से 6 बजे तक है? अब ये तो कल मालूम होगा, लेकिन कहा यही गया कि शाम को 6 बजे तक। मतलब विधायक ने आप लोगों की मांग को मान लिया। सतीश कठेरिया हैं जो कि अथानी कस्बा रेवसा के एक छावा व्यापारी हैं, फलों के विक्रेता हैं, और ये व्यापारियों के जत्थे के साथ में गए हुए थे। आप विधायक के आवास पे किस वजह से गए थे, क्या कारण था? काफ़ी एक काफिला था व्यापारियों का अथानी कस्बा रेवसा के। हम गए थे कि हम लोगों को परेशानी थी कि सुबह जो 6 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन था, मैं मंडी जाता था, 10 बजे आता था, उसके बाद 2 घंटे में क्या बेचता था, इस वजह से मैं गया था। मैं तो ये समस्या आप ही क्यों थी कि सब पूरे कस्बे को थी? नहीं, पूरे कस्बे जितने हमारे फल व्यापारी और सब्जी व्यापारी है उनकी थी। अच्छा, और अन्य दुकानदारों के नहीं थी? और दुकानदारों की भी थी, वो भी गए थे लोग। लगभग कितने लोग व्यापारी गए थे? कम से कम 100-150 लोग। क्या मांग रखी वहाँ पे? मांग रखी है कि हम लोगों को कम से कम 10 घंटे के लिए दुकान खोलने का मौका दिया जाए। क्या समय मांगा वहाँ पे? तो वहाँ विधायक जी ने हमसे कहा कि आप लोग 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। तो केवल मतलब सारी दुकानें खुलेंगी, पान और छोटी बड़ी की? छोटी बड़ी सारी दुकानों को हमने कहा है। तो इसके बाद दुकान खोलने के लिए सारे लोगों को कहा है, सुबह 9 बजे से खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद। फिर जो है मतलब इस बाबत में विधायक ने किसी अधिकारियों से भी बात की? और उन्होंने विधायक जी ने कहा है, हमारे लिए विधायक सर्वमान्य है, उन्होंने कहा था कि हम ADM साहब और SO साहब से बात किए हैं और आप लोग कल पेपर में भी आ जाएगा और हम लोगों को सद्भावना भी है और जो हमारे आदरणीय विधायक जी जो गाइडलाइन पालन करेंगे उसके तहत हमने काम किया है, करेंगे। अच्छा, लगभग कितने व्यापारियों का जत्था था साथ में? कम से कम 150-200 के करीब था, जितने छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार थे सारे लोग गए। सारे लोग गए थे। ये आवाज़ पे मांग रखी आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने आवाज़ पे मांग रखी। अच्छा, तो आप इस गाइडलाइन से आप संतुष्ट हैं? विधायक ने जो संतुलन दिया, जो कहा है कम से कम जो 12 बजे के बाद जो बंद होता था, हमें 6 बजे तक खुलेगा, कम से कम हम 4-6 घंटे दुकानदारी कर पाएंगे, कम से कम जो लोग बाहर से आएंगे वो हमारे यहाँ दुकान पे सौदा खरीद सकते हैं। विधायक ने आपकी बात को मतलब सही से सुना कि नहीं सुना? उनकी व्यवहार कुशलता कैसी रही? और उन्होंने हमारी जो तकलीफें थी उसको देखते हुए ये चीज कहा कि आप लोग 9 बजे से 12 बजे तक दुकानें खोलें। मतलब विधायक श्योता के व्यवहार में क्या आपको झलका? ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे विधायक जी बहुत अच्छे लोग हैं और वो छोटे लोगों को ज्यादा मानते हैं और बड़े लोगों को तो मानते हैं नहीं। तो इसके जो आने अभी तक जो तत्कालीन में रहे उनके बारे में और इनमें क्या फर्क निकला? नहीं, हमारे लोगों को जो हमारा जो प्रतिनिधि होता है उसको मेरा होता है, जो यहाँ का बड़ा होगा वो हमारा चाचा भाई भतीजा, जो हमारे SO साहब है वो हमारे गार्जियंस है, यहाँ जो आएगा।